हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। बात तो सही है, जब राजा भैया ना तो चुनाव लड़ रहे हैं ना उनका कोई नेता मैदान में खड़ा है, तो फिर काहे को अनुप्रिया पटेल उन पर तमतमा रही थी, वो भी उन्हीं के गढ़ में आकर दादागिरी दिखा रही थी। ये तो एक सीन था, अब दूसरा सीन देखिए। कुंडा विधायक ने भी उसी दिन से ठान लिया था कि वो मिर्जापुर जाकर तगड़ा जवाब देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, राजा भैया मिर्जापुर में एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं और मिर्जापुर से एनडीए की प्रत्याशी है अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल, जो राजा भैया के गढ़ में आकर उन्हीं को सुना कर गई थी। दावा किया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के उस बयान से कुंडा विधायक बेहद आहत है। सूत्रों के मुताबिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ नेता मिर्जापुर पहुंचकर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। खुद राजा भैया भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रचार करने के लिए मिर्जापुर आने वाले हैं। चलिए अब आपको अनुप्रिया पटेल का वो बयान सुनाते हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होने वाले अनुप्रिया पटेल के इस बयान पर राजा भैया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। अगर सच में राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो बीजेपी को मिर्जापुर की सीट बचानी मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि राजा भैया को लेकर ये कहा जाता है कि वो प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद की जनसत्ता से जिस प्रत्याशी के लिए अपील कर दे, जीत की मोहर उस पर लगती है। ऐसे में देखना ये है कि मिर्जापुर की सियासत में राजा भैया की एंट्री कब होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।